और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीएससी परीक्षा 2022 के लिए मेड पेपर के लिए क्लासेस। तो इसके लिए एक टॉपिक अपने ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, यानी कि दिशा परीक्षण जो टॉपिक है उस पर 3 से 4 क्लासेस के अंदर पूरा टॉपिक अपने क्लियर कर चुके हैं। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको टेलीग्राम पे समय समय पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें ताकि मेड पेपर का पूरा सिलेबस, चाहे आप कक्षा 10 के लिए हो और चाहे आप कक्षा 12 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम मेड पेपर का पूरा सिलेबस है वो कवर करवा रहे हैं। उसी के संदर्भ में अपना टॉपिक जो सेकंड चल रहा था सांकेतिक भाषा, उसको अपने बेसिक से समझ लिया। इस पर ऑलरेडी अपने 3 क्लास कर चुके हैं और आज की अपनी चौथी क्लास है। इस पर आज अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसे कि हमने इसी पिछली वाली क्लास में कहा था कि अगली क्लास में हम जो पीछे एग्जाम हुए हैं उसमें इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उनको करेंगे और फिर उस पर और प्रश्न अपने करने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज प्रश्नों को लेकर आएंगे, पहले आपको प्रश्न बताएंगे, समझाएंगे, फिर और प्रश्न उस पर करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे एसटीएससी 2022 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें। और प्लेलिस्ट पे जाके जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड की गई है आप पूरा देखें, क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है आपके लिए, यदि आप एसटीएससी परीक्षा 2022 वास्तव में क्लियर करना चाहते हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए, तो देखिए जो क्लास हम करवा रहे हैं वो कक्षा 12 के लिए भी जरूरी है और कक्षा 10 के लिए भी जरूरी है, दोनों के लिए हम कंबाइंड क्लास है वो चला रहे हैं। तो आप बिना चिंता के हमसे जुड़ के पढ़ाई कर सकते हो। शुरू करते हैं क्लास अपनी। तो देखिए जो अपने टॉपिक कर रहे थे उसको बेसिक से समझ लिया था, मैंने अल्फाबेट बताया था कि आपको याद करने हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे। जब आप याद कर लोगे तो ये प्रश्न आपको आसान है वो लगने लग जाएंगे और बहुत ही कम समय में आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो देखिए ये जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न एसटीएससी परीक्षा 2021 के अंतर्गत आया हुआ है, ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए टी बराबर 20, टी एम 39, तो उसने पूछा ई वी ई एन का क्या होगा या इसका उत्तर क्या आएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है, एक तो ये लिखे, इसके अलावा इस पे सेम प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ये 5 प्रश्न अपने करेंगे। एग्जाम में अगर संभावना रहती है आने की इस प्रकार की, तो आपको इन्हीं प्रश्नों में से ऐसे सिलेक्ट ना प्रश्न करके लाए हो, इन्हीं प्रश्नों में से मिल सकते हैं, या फिर अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न जो इसका पैटर्न रहेगा वैसे ही रहेगा, आपको इसी प्रकार से हल करना है। तो बस जुड़े रहे, हम करवा रहे हैं साथ के साथ, समझे करें, उसके अलावा फिर से आप करें। और ये जो प्रश्न नंबर 5 है ये आपका रहेगा एच डब्ल्यू का मतलब आपको पूरी क्लास देखनी है, क्वेश्चनों का हल करना है। और ये जो प्रश्न है ये हम आपको नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको पूरी क्लास देखने के बाद में खुद से हल करना है। इसका उत्तर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य रूप से बताओगे। यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य रूप से देवें, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है जिसका नाम है चीनिया क्लासेस, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को हल करना। इसमें लिखा है टी बराबर 20, आपको बस इतना देखते ही समझ आ गया होगा कि टी, मैंने आपको बताया टी ट्वेंटी यानी कि अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है ABCD, वो उसमें टी है वो कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, और ये उसने लिखा है T20 यानी कि टी 20 नंबर पे। अब इसने बोला टी 20 पे है, TEM 39, तो अब आपको ये देखना है कि ये TEM से 39 कैसे बढ़ गया। देखिए टी 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 13 पे आता है, तो ये तो बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी, लेकिन 39 कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसको अल्फाबेट को लिख देते हैं। टी आपका 20 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पर, EJOT पढ़ोगे ना तो वहां पे आपका EJOT ई आपका 5 नंबर पे आएगा, ए आपका 1 नंबर पे आएगा, और तेरा आपका एम आपका आता है 15 नंबर पे, यानी कि जो आपकी ABCD उसके बीच का अक्षर होता है ये एम, डेढ़ अक्षर। तो ये सब आपने इसको लिख दिया। अब 39 बनाना है, 39 बनाने का जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करके देखते हैं, तो 20 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 1 26, 26 में 13 जोड़ेंगे तो 26 और 10 36 और 3 39, यानी कि इन सबको जोड़ने पे कितना आया 39 आ रहा है। टी 20 इन सबको जोड़ने पे 39 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बहुत ही सिंपल से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ई आपका आता है 5 नंबर पे, वी आपका है 22 नंबर पे, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, फिर ई आपका 5 नंबर पे, एन आपका आता है 14 नंबर पे, बस सिंपल सा काम है। यानी कि ये अपने को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो अक्सर जितने नंबर पे आता है बस उसी को जोड़ के उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब टी का 20 यानी कि जितने पे जो आ रहा है बस उतना ही लिखना है, इसके अलावा अलग से कुछ सोचना नहीं है। तो यही अपने किया, टी 20 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, एम आपका 13, जोड़ा तो 39,
अब इन सबको जोड़ दो, ई 5 नंबर पे, वी वाई 22 नंबर पे, क्योंकि बी वाई, बी वाई मैंने आपको याद करवाया था, ई 5 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे, जोड़ दो इसको। इसको जोड़ेंगे तो 5 प्लस 22 प्लस 5 और प्लस 14, तो 10, 5 और 5 10, 10 और 22 32, 32 में फिर 10 जोड़े, 32 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, आंसर बची 1, 1 2 3 और 1 4, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 46। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, कक्षा 10 के लिए हो चाहे कक्षा 12 के लिए, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे 3-4 टाइप बढ़ते हैं बस, जिसपे 2-3 टाइप आज अपने कर लेंगे और बाकी जो एक टाइप जो बचेगा वो अपना अगली क्लास में करेंगे और अपना ये पूरा चैप्टर अब क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ है, मैंने समझा दिया आप किस प्रकार से कर सकते हो, बहुत ही कम समय में आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन, ऐसा ये और ऐसे ये सेम क्वेश्चन है, इसका मतलब सी आपका कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आता है सी। एफ आपका आता है फिक्स होता है वो 6 होता है, ई 5, ए 8 और आर 18, जोड़ के देखो 30 बन रहा है नहीं बन रहा, 18 और 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, जोड़ने पे बन रहा है तो इसको रख दो। आज आपका 8 नंबर पे, 1 नंबर पे, 9 नंबर पे, आई नो और आर आपका 18 नंबर पे, लीजिए इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 1 10 18 और 10 28 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये लीजिए आपका हो गया प्रश्न पूरा, ये प्रश्न आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया बिल्कुल सेम पैटर्न पे। तीसरा जेड आपका कितने नंबर पे आता है 26, ये उसने बोला जेड 26 पे है। एन ई टी, एन आपका 14 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे, इनको जोड़ो 20 और 5 25, 25 और 10 35 और 4 39, यानी कि इनको जोड़ने पे कितना आ रहा 39 आ रहा है। इसने पूछा एन यू टी इसका वैल्यू बताओ, तो एन यू टी का कितना आएगा, एन आपका 14 नंबर पे प्लस यू आपका 21 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे, यानी कि ये प्रश्न तभी आप आसानी से कर सकते हो जब आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद होगी। ए आपका 1 नंबर पे, बी आपका 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे, पी आपका 16 नंबर पे और क्यू आपका 17 नंबर पे, आर 18, आई नो नंबर पे, जी 7 ग्रुप बताया था, एच को ऊपर से नीचे से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 8, और इसके अलावा ई 5, जे 10, टी 20 नंबर पे, एक्स वाई आपका 25 नंबर पे, तो इस प्रकार से ये आपको याद करोगे तभी आप इसको आसानी से कर पाओगे। लीजिए इनको जोड़ दीजिए 20 और 20 40, 40 और 1 41, 41 और 10 51, 41 और 10 51 और 4 55, ये लीजिए आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। बस वही पैटर्न लगाना है, ई आपका 5 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे, यानी कि टी 20 20 प्लस ई 5 प्लस 1, जोड़ो इनको 20 और 5 25 और 1 26, यानी कितना आ रहा है 26 आ रहा है, ये लिखा है इसने जो टीचर को, ये बोल रहा है टीचर को क्या लिखें, तो टी आपका 20 नंबर पे आता है प्लस ई आपका 5 नंबर पे प्लस 1 नंबर पे प्लस 3 नंबर पे प्लस 8 नंबर पे प्लस 5 नंबर पे प्लस 18 नंबर पे। देखिए टी आपका 20 नंबर पे आता है टी 20, ई आपका 5 ई जीओ टी ई 5, ए आपका 1 नंबर पे सी ए बी सी 3 नंबर पे, एच आपका 8 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, आर 18, तो इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा और 20 के बाद में इसको जोड़ो 5 और 5 10 30, 30 के बाद में 20 इसको बना लो, यानी कि ये हो जाएगा 60। ये लीजिए तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा, यानी कि आपको पूरी क्लास देखना है समझना है, इन प्रश्नों को दोबारा से करोगे फिर इस प्रश्न को आप हल करोगे, हल करके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करोगे अवश्य रूप से। इसके एक टाइप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पिछले 1-2 सालों में इसी प्रकार के बार बार प्रश्न पूछे गए तो वो पूरा टाइप आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, यानी कि बेसिक भी समझ लिया,
हो सकता है एग्जाम की थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दे, तो आप दूसरे प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाओगे क्योंकि आपको अल्फाबेट की नंबरिंग पूरा याद होगी। अब देखते हैं अपने अगला टाइप। अब देखेंगे टाइप सेकंड। ये टाइप सेकंड है जिसपे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार के आ सकते हैं और अपने कैसे हल करने हैं वो अपने देखते हैं। तो देखिए ये तीनों प्रश्न एसटीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो कक्षा 10 की बात हो चाहे कक्षा 12 की बात हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहले अपने इनको हल करेंगे और इस पे आधारित ये प्रश्न अपने चार प्रश्न और रखे हैं जिसपे तीन अपने करेंगे। ये प्रश्न आपका रहेगा होमवर्क, यानी कि आपको हल करना है, कोई प्रोसेस हल करना है, उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है और इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है एसटीएससी स्पेशल के नाम से, उस पर आपको जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसके अंदर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको सेंड करना है। तो इतना काम आपको करना होगा यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो। तो इसको देख के हल करते हैं। इसने लिखा COVID को DQYMI, पहले अपने देखते हैं ये इससे ये कैसे बना। सी आपका कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ओ आपका 15 नंबर पे, 22 नंबर पे, 9 नंबर पे और 4 नंबर पे। कोड अगर याद है तो आपके प्रश्न ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। सी 3 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, बी 22, आई 9, डी 4। तो ये आपका 4 नंबर पे, ये आपका 17 नंबर पे, ये आपका 25 नंबर पे, 13 नंबर पे और 9 नंबर पे। थोड़ा छोटा है शायद दिख नहीं रहोगा, लेकिन आप आइडिया लगा लीजिए कि मैं इनके नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। आपको याद है तो आप असली में इसको समझ जाओगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सी 3 नंबर पे, ओ भी इस प्रकार से मैंने इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। सी 3 पे था, इसने इसको 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 4। ये आपका ओ 15 पे था, इसने इसको 17 लिख दिया। ये आपका 22 पे था, इसने इसको 25 लिख दिया। ये 9 पे था, इसने इसको 13 लिख दिया। ये 4 पे था, इसने इसको 9 लिख दिया। यानी कि आपको सीरीज समझ में आ रही होगी। पहले इसने जोड़ा 1, फिर जोड़ा इसने 2, फिर जोड़े 3, फिर जोड़े 4 और फिर जोड़े 5। यानी कि यहां से यहां तक पहले 1 बढ़ाया इसने, फिर यहां से यहां इसने बढ़ाए 2, फिर यहां से यहां इसने बढ़ाया 3, यहां से इसने बढ़ाया 4 और यहां से फिर इसने इसको बढ़ा दिया प्लस 5। सीरीज पकड़ में आ गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बढ़ा के लिखा है। इसका मतलब ये तो अपने भी बी 22 नंबर पे होता है, बी 22 पे, तो 23 पे क्या आएगा? W। 23 पे क्या आएगा? W। क्या लिखने की जरूरत है यहाँ पे नंबर? चलो लिख देते हैं 22 नंबर, 9 18 21 और 19। ये आपको लिखने नहीं है, ये आपको मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको याद है तो आप बिना कुछ लिखे ही कर सकते हो, बस आप दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, समझिए उसको। बी 22 नंबर, आपको पता है 1 बढ़ाना है तो 23 नंबर पे W आ जाएगा। आई 9 नंबर पे है, 2 बढ़ाने, यानी कि 11 नंबर पे 11वां अक्षर क्या हुआ है? 11वां अक्षर हुआ है के। आर 18, 3 बढ़ाने, 18 3 21, 21 पे होता है यू, 21 पे होता है यू। अब देखिए यू 21 नंबर पे, यहाँ पे बढ़ाने 4, क्योंकि अगली सीरीज में यहाँ पे देखिए 4 चौथे अक्षर पे 4 बढ़ाने, तो 21 और 4 25, यानी कि वाई। एस 19 पे होता है 5 बढ़ाने, 19 और 5 24, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आएगा और ये आपका उत्तर। ऐसे प्रश्न करें, क्या टाइम लगा? ये और फास्ट कर सकते हो यदि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये स्पीड प्रैक्टिस की आएगी, प्रश्नों को समझ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कीजिए। अब अगला प्रश्न DARK HVXD, देख के भी अगर आपको याद है तो समझ सकते हो। ये कितने नंबर पे पता है? 4, ये 8, 1 नंबर पे, 22 पे, 18 पे, 24 पे, 11 पे, 4 पे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखिए ये आपका होता है, इसको मैं हटा देता हूं अभी, ये 4 नंबर पे, 1 नंबर पे, 18 पे और 11 पे, ये 8 पे, 22 पे, 24 पे, 8 22 24 4। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है।
चार से चार बढ़ा दिया आठ, फिर इसने घटा दिया, कितने घटा दिए, तो चार और एक यानी कि एक से वापिस घटा दिए चार। फिर देखिए यहाँ पे सॉरी पांच घटा दिए, फिर अठारह में चार जोड़ के और अठारह में छह जोड़ के, अठारह में छह जोड़ के चौबीस, और फिर ग्यारह में से सात घटा दिए, यानी कि एक बार जोड़ रहा है दूसरी बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है दूसरी बार घटा रहा है। इसको आगे हल करेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एन ओ टी ई, इसका क्या बनेगा पहले इसको देखिए, यहाँ पे इसने प्लस चार किया, यहाँ पे माइनस का पांच किया, यहाँ पे इसने किया प्लस का छ, और यहाँ पे इसने किया माइनस का सात, प्लस का चार माइनस पांच, प्लस का छ माइनस का सात, यही आप कीजिए। पहले आपको चार जोड़ने हैं, तो ये देखिए चौदह नंबर पे, पंद्रह नंबर पे, बीस नंबर पे और पांच नंबर पे, चार जोड़ेंगे, चौदह में चार जोड़े तो अठारह, अठारह नंबर पे आठ, पंद्रह में पांच घटाएंगे तो कितने पे आएगा दस, दस पे आता है जी, दस नंबर पे जी, देखिए चार जोड़ना है पांच घटाना है छह जोड़ना है सात घटाना है, बीस में छह जोड़ेंगे छब्बीस जेड, इसका जो अगला था उसको इधर करने हैं अपने, सात घटाने हैं किसमें से जो अक्सर लास्ट में होगा, तो ये देखिए ई आपका पांच नंबर पे है, पांच में से सात घटाएंगे, पांच में से सात घटाएंगे, तो देखिए आपके बीसीडी इस प्रकार से होती है ए, फिर मैंने बताया जब ए पे खत्म हो जाओ, ए ए पे जब आप खत्म हो जाते हो एक पे, तो इधर आएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, कितने घटाने हैं सात, सात घटाने हैं तो पांच पे, पहले पांच पे आइए ई, उसके बाद में ए बी सी डी, तो ए घटा दिया, दो घटा दिया, तीन घटा दिया, चार घटा दिया, पांच घटा दिया, छह घटा दिया और सात घटा दिया, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे आएगा एक्स, ये इसका उत्तर आ जाएगा। चार जोड़ दिए चौदह से चार अठारह, पांच घटा दिए दस को पंद्रह से दस, तीन पांच जोड़ दिए बीस, सॉरी छह जोड़ दिए बीस, और इसमें से आपने घटा दिए कितने सात, सात घटाइए ई में से तो एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी कि एक्स आपका यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन इसने लिखा है के ए एन पी यू आर, इसको एल बी ओ क्यू वी एस लिखा है, के बाद में के ग्यारह पे एल बारह पे, ए आपका एक पे बी पे, एन आपका चौदह पे ये पंद्रह पे, पी आपका सोलह पे ये सत्रह पे, यू आपका इक्कीस पे, वी आपका बाईस पे, आर अठारह एस उन्नीस। चलिए समझ में आ गई, एक बढ़ा के लिख रहा है, देखते ही आपको पता चल गया होगा अगर आपको अल्फाबेट याद है, पहले बढ़ा दिया अपने बढ़ा दो बस, अपने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जब आपको समझ आ रहा है तो। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लंबा थोड़ा सा लेवल उच्च था, ये बिल्कुल आसान है, तो एन आपका चौदह पे क्योंकि यहाँ पे सब में वो एक एक बढ़ा रहा है, प्लस वन कर रहा है यहाँ पे सब में सबके साथ, तो यहाँ पे भी प्लस वन कर दो, एन आपका चौदह पे, पंद्रह नंबर पे क्या आता है ओ, एक पे बी दो पे, जी सात पे, एच आठ पे, पी सोलह पे, यू सत्रह पे, यू इक्कीस पे, वी वाई, आर अठारह एस उन्नीस, आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और ऐसे आपको हल करने हैं, समझ आया होगा आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूं ऐसी। तो अब देखिए ये जो प्रश्न अपने लिए हैं इनको हल करते हैं, चार पांच छह, और ये आपका होमवर्क रहेगा, पूरी क्लास को देखोगे, प्रश्नों को आप फिर से हल करोगे, साथ के साथ तो करने हैं, फिर से आप अपने आप खुद से करोगे कि आप कर पा रहे हो या नहीं, बिना देखे हल करो, फिर मिलान कीजिए आप कहां गलती कर रहे हो, वो चीज हमें बता सकते हो, फिर आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अब इनको करते हैं, इसने कहा टी आर ए आई, इनको डब्ल्यू यू डी एल क्यू, टी आपका 20 नंबर पे, आर 18 पे, एक पे, नौ पे और 14 पे, 18 20 पे, ये 23 पे, ये 18 पे, ये 21 पे, एक यानी कि देखिए समझ आ गया होगा आपको, ये था 20 पे, 18 पे, एक पे, नौ पे और 14 पे, ये 23, ये 21, ये 4, 12 और 17, 20 से 23, 18 से 21, 1 से 4, 9 से 12, 14 से 17, यानी कि सब में कितने बढ़ा रहा है वो, सब के अंदर प्लस 3 कर रहा है,
प्लस तीन कर रहा है तो अपने प्लस तीन कर दो, बस छोटा सा काम है, ये तो संख्या भी छोटी करके सीरीज भी छोटी है। बी दो नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, तीन बढ़ाया तो पांच। ई आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ये कुछ नहीं लिखना, आपको बस उत्तर निकालना है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिखना। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर उनके दिमाग में भी चल रहे हो सर आप इतना कुछ डायग्राम वगैरह क्यों बना रहे हो, तो वो चीज आपको समझ आ जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ। रफ का ही है, आपको जो आंसर है वो आपका इसका इतना ही निकालना है, जैसे इसका इतना ही आपको उत्तर निकालना है। वो कैसे भी निकालो आप दिमाग में कैलकुलेशन करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब जल्दी इसकी चीज यू 21 पे, 21 में तीन जोड़े 24, 24 पे आपका एक्स, एस 19, 19 और तीन 22, 22 यानी कि बी, ये लीजिए आपका उत्तर आ गया। अब देखिए ये थोड़ा सा मैंने इसको हटके रखा, थोड़ा सा अगर एग्जाम में हो सकता है ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस पकड़ना है आपको। आपको ये प्रश्न, ये सीरीज और ये सीरीज देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि लगभग तो सेम है, जो अक्षर है वो तो एक जैसे लग रहे हैं, इसके देख के लग रहा होगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे हेर फेर लग रहा है आपको, देखते समझ आ गया होगा। अब हेर फेर क्या है, इसके अंदर क्या कुछ किया गया वो चीज समझनी है। देखिए यहाँ पे एम को ए लिख दिया, टी को आई से चेंज कर दिया, ओ को एन से चेंज कर दिया, बस वही चीज आप यहां कर दो। ई को आर से चेंज कर दो, आर ई, ओ को एफ से चेंज कर दो, एफ ओ, एम को आर से चेंज कर दो, ये हो गया। एच ओ आर एस ई, हॉर्स को लिख रहा है आई पी एस टी एफ, एच 8 पे, आई 9 पे, ओ 15, पी 16, आर 18, 19, 19, 20, 5, 6, यानी कि एक 1 प्लस कर रहा है, ये नीचे प्लस कर दो। 19 के बाद में टी 20 पे, 14 पे, ओ 15 पे, 1 पे, 2 पे, 11 पे, 12 पर, ई 5 पे, फिक्स 6, तो लीजिए ये प्रश्न आपके वो जल्दी से अपने हल कर लिए हैं। टाइप फर्स्ट भी कर लिया है, टाइप सेकंड भी कर लिया है, एक टाइप और रहा है, दो टाइप रहे हैं, और दोनों अपने अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके हिसाब से अपने दो टॉपिक मेट परीक्षा के लिए जो आपके टॉपिक है उसमें से दो टॉपिक आपके कम हो चुके हैं, हम साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और जल्द ही इन दोनों टॉपिक का टेस्ट हम टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग 15 से 10 प्रश्नों का टेस्ट है वो लेने वाले हैं जल्दी। बस थोड़ा सा मैनेज हो जाए सब कुछ, तो बस आप जुड़े रहिए, सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा, क्लासेज आपको हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू मिल रही है, पूरी क्लासे देखिए, क्वेश्चन कीजिए, और बस जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, क्योंकि सेट पेपर के लिए तो आप अपनी बुक्स आपको पढ़नी है जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा भी नज़दीक है, तो वो तो दोनों एक पंथ दो काज हो जाएंगे, इधर आपके एसटीएससी परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी, उधर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। बस हटके चीज़ केवल ये पढ़नी है जो हम आपको करवा रहे हैं बहुत अच्छे से, इसके लिए आपको रोजाना बस आधा घंटा या घंटा देना पड़ेगा, आधा घंटा घंटा जो क्लास है उसको पूरा देखिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन 15-20 मिनट में कीजिए, बस एक घंटा टाइम आप इसके लिए अलग से दीजिए, बाकी सब आपको जो आप पढ़ रहे हो उसको वैसे ही पढ़ते रहिए, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत